assalamualaikum कैसे हैं जी आप सब तो जी आज की जो वीडियो है ये मेरी कोई चार से पाँच दिन की मिक्स वीडियो है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मुझे फ़ीवर था तो इसलिए मेरे पास जो वीडियो थी मैंने वो मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है सबसे पहले तो जी ये अबाये हैं हम अबाया मार्केट गए थे तो वहाँ पर ये अब आए थे तो बहुत प्यारे लगे हुए थे जिसमें कलर में भी थे और ब्लैक में भी थे और इनका जो काम था ना वो तो क्या कमाल काम था बहुत ही खूबसूरत अब आए थे किसी के फ्रंट पर काम था था, किसी के बैक पे और किसी के शोल्डर पे इस तरह आप देख सकते हैं थी ना। कि मैं बता नहीं सकती बहुत प्यारे अबाये थे और ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था ये अबाया शायद मुझे ही लग रहा था वैसे ये था कि ये ब्लू ब्लैक ग्रीन पिंक सब कलर में मौजूद था और इन पे जो काम था वो मिक्स काम था यानी कि ख़राब होने वाला काम नहीं था तो बहुत अच्छे अब आए थे तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें और इसके बाद जी जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मुझे दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा फ़ीवर था आज थोड़ा फीवर कम हुआ है तो सोचा कि वीडियो में वॉइस ओवर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो बस जी यहाँ पर हम आबाया मार्केट आए थे और ऐसे ही ये समझ लें कि ये विंडो शॉपिंग हो रही थी हमारी लेकिन ये था कि अब आए बहुत ज़्यादा प्यारे आए हुए थे और मेन चीज़ ये थी कि अब अबाई का स्टप भी अच्छा था काम भी अच्छा था और फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा था अच्छा जी ये इसके बाजुओं पे काम था लेकिन इनके प्राइस सेम नहीं थे प्राइस डिफरेंट थे जैसा काम था उस हिसाब से उन्होंने प्राइस लगाए थे और ये जो अबाए थे ये दुबई के अबाए थे तो इसलिए इनके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा थे जाहिर है जैसा काम था तो उस हिसाब से उन्होंने प्राइस भी थोड़े ज़्यादा लगाए हुए थे और दूसरा बार्गेनिंग वाला भी कोई सिस्टम नहीं था इसके अलावा बच्चियों के अबाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे आए हुए थे जिसमें कलर में भी थे ब्लैक में भी थे उनमें भी डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी और ये पॉकेट वाला अबाया अक्सर वॉक के लिए बहुत बेस्ट रहता है अपना फ़ोन अपनी बहुत सारी चीज़ें इजीली हम वॉक पे लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जी आपके साथ मैं बच्चियों के अबाई भी शेयर कर देती हूँ उसमें कलर और डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी अच्छा यहाँ पे ना हम लोगों का यही है कि हम ड्रेस से ज़्यादा जो अबाए होते हैं ना उन पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है क्योंकि आबाए ही ज़्यादा यूज़ होते हैं तो बस उनकी डिज़ाइनिंग उनका स्टफ़ इनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है कि और कहीं पे अब आए अगर नज़र आ जाए तो उन्हें ज़रूर चेक करना होता है कि कैसे आए हुए हैं कैसे नहीं आए और माशाल्लाह ये भी है कि न्यू से न्यू वैरायटी और डिज़ाइनिंग हाथ आती रहती है और यहाँ पे ये सिंपल अब आया था लेकिन इस पे ये था कि फ्रिल लगी हुई थी तो उसकी वजह से ये खूबसूरत लग रहा था वैसे देखने में बिल्कुल सिंपल अब आया था तो आजकल कलरफुल अबाया बहुत ज्यादा इन है लेकिन जैसे हम मदीना या मक्का जाएं तो वहां पे जरा ब्लैक अबाया पहन के जाए तो वो जरा अच्छा लगता है वैसे तो आम रूटीन में यह है कि कलर वाले अब बहुत ज्यादा इन है और यहाँ पे ये मल्टी कलर के काम वाले लग रहे थे और ये पिंक अब आया था इसके बाजू जो बनाए गए थे वो बहुत ज्यादा प्यारे बनाए गए थे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में और उसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी थी बहुत सारी डिजाइनिंग थी लेकिन जितना टाइम था उतनी हमने वीडियो बनाई और आपके साथ शेयर कर दी जाहिर है वीडियो बनाने के चक्कर में इंसान खुद से कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता ऐसे वीडियो के चक्कर में लगे होते हैं तो अब जब मैं खुद वीडियो देख रही हूँ तो यकीन करें मैं जब अबायों को देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि वाकई बहुत प्यारे अब आए थे क्योंकि वीडियो में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं रियल में भी इतने ही खूबसूरत थे तो उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पे जी अब मैं बना रही ही थी ब्रेड पॉकेट तो दरअसल मैंने पिज्जा के लिए सब कुछ रेडी किया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और साथ में वो कहते हैं जब किसी चीज को खाने को दिल करे तो इंसान वो ही बना ले तो पिज्जा हमने किया कैंसिल और यहाँ पे मैंने बना ली थी जी ब्रेड पॉकेट तो उसके लिए मैंने ब्रेड ली थी उसके कॉर्नर मैंने कट कर लिए थे और उसे फिर राउंड शेप में आप किसी भी चीज से कट कर लें और उसके बाद बाद ये मेरे पास जी अंडा था और ब्रेड क्रम्स थे मैं इनमें इनको अच्छे से डिप करके फ्राई कर लूंगी और ये मेरे पास ब्रेड के दो स्लाइस हैं जिनको मैंने एक साथ आपस में इकट्ठा कट किया है तो और ये है कि ये जैसे ही आप इन्हें ऑयल में डालेंगे तो ये फूलना स्टार्ट हो जाते हैं सेम जैसे हम पूरी को ऑयल में डालते हैं तो वो फूलना स्टार्ट हो जाती है तो ये ब्रेड के दो स्लाइस हैं जिनको आपस में मैंने कट किया हुआ है और उसके बाद मैंने इन पर अंडा और ब्रेड लगा के इन्हें फ्राई कर लूँगी और ये देखें जी यहाँ पे ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं और अब मैं जब इन्हें दोबारा देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से इन्हें बनाऊँ और खा लूँ उस टाइम मुझसे मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं और में मेरा खाने को बिल्कुल दिल भी नहीं किया क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती और फीवर ऐसी चीज़ है एक फ्लू और एक फीवर जिसमें आपके मुँह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आपको कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता तो यहाँ पे बस जी मैंने इनको फ्राई कर लिया था और उसके बाद ये मैंने चिकन बना के रखा था जैसे मैंने बताया कि मैंने पिज्ज़ा के लिए बनाया था तो बस मेरे पास चिकन था और उसमें मैंने बेल पेपर थ्री कलर की कट करके डाल दी थी और चिकन मैंने रात में ही बना लिया था तो अब रखा हुआ था तो सोचा क्यों ना इसको ब्रेड में डाल लें तो बस जी यहाँ पे ये मेरे पास सोस थी जिसमें मैंने मायोनीज़ केचप चिली सॉस इन चीजों को मिक्स किया हुआ था और जी चिकन मैंने पॉकेट के अंदर डाला है उसके बाद मैंने सॉस डाली है और हमारी ब्रेड पॉकेट बन के रेडी हो गई और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है क्योंकि मेरा फीवर अजीब ही था कभी हो जाता था कभी ठीक होता था और जब होता था इतना हाई फीवर होता था मुझे कि मुझे कि कि किसी चीज़ का पता नहीं होता था और तो तकरीबन एक से दो घंटे बाद मैं नॉर्मल हो जाती थी तो खैर जी हम यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल और यहाँ का रूल है कि आपको हल्का सा भी फीवर होना आपको ब्लड टेस्ट लिख के दे देते हैं तो यहाँ पे हमने टेस्ट वगैरह करवाया खैर नॉर्मल फ़ीवर ही था गर्मी की वजह से शायद हो गया था उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिप्स वगैरह लगाई और अब चलते हैं जी हम घर और ये थी मेरी वीडियो छोटी सी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़